एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी, बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि सितंबर में बताया जा रहा है, सितंबर में पंचायत चुनाव जो है वो हो सकते हैं, ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो चरणों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। इसको लेकर पंचायत चुनाव पर को लेकर चुनाव आयुक्त का बयान भी आया है। जनता टीवी से खास बातचीत में चुनाव आयुक्त ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने प्रदेश सरकार को पत्र भी लिख दिया है। पत्र लिखा है, पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित सीटों के ड्रॉ वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव आयोग को सूचित करने के लिए इस पत्र में, पत्र के जरिए कहा गया है। हिसार जिले के बास और सिसाई में भी वार्डबंदी होनी है क्योंकि इन्हें पहले पालिका बनाया गया था। जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं होगा, तो जनपद सिंह ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव पहले की तरह ही होगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी ये कि सितंबर में हो सकते हैं ये चुनाव, ऐसी जानकारी मिल रही है। जनता टीवी से खास बातचीत में इस बात का जिक्र चुनाव आयुक्त ने किया है। देखिए, राज्य में पंचायत के चुनाव सितंबर के महीने में हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल राज्य के चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी है और राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए भेजी हुई है और 22 जुलाई तक का समय उसके लिए दिया गया है। यानी 22 जुलाई को जो है तमाम जो जिले हैं वहाँ से जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य के चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन होकर मिलेंगी। उसके बाद 25 दिन के बीच का समय तय करना होता है राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव घोषित करने के लिए। तो ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह के बाद राज्य में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से मंगलवार को एक पत्र लिखा गया है हरियाणा सरकार को, जिसमें ये कहा गया है कि जिन जगहों पर वार्डबंदी का काम अभी अधूरा है उन क्षेत्रों में वार्डबंदी का काम पूरा करवाया जाए ताकि राज्य का चुनाव आयोग उन क्षेत्रों में चुनाव करवाने की तैयारी कर सके। दरअसल हिसार जिले में गिराए और बास दो ऐसी जगह हैं जिनको नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद लोगों के विरोध को देखते हुए वापिस उनको पंचायतों में तब्दील किया गया था। तो ऐसे में वहां पर पंचायत के चुनाव अगर करवाने हैं तो फिर वार्डबंदी और बाकी जो काम है वो होना है। लिहाजा इसके साथ साथ ऐसी कुछ और जगह भी है तो उनके लिए हरियाणा सरकार को राज्य के चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है, वार्डबंदी का काम पूरा करवाने के लिए कहा गया है ताकि राज्य का चुनाव आयोग आगे बढ़ सके चुनाव करवा सके। तो ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि प्रदेश में लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे हैं पंचायत के चुनाव का, उनका बिगुल अब बजना लगभग तय है। सितंबर में प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं और पंचायत के चुनाव की घोषणा जुलाई के आखिरी सप्ताह में या फिर अगस्त के पहले सप्ताह तक हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जनता टीवी से खास बातचीत में इस बात का जिक्र जो है वो चुनाव आयुक्त ने यहाँ पर किया है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी पवन हमें दे रहे थे। और साथ ही आपको बता दें जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई। हिसार जिले के बास और सिसाई में भी वार्डबंदी जो है वो होनी है, जो कि इन्हें पहले पालिका बनाया गया था। जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं होगा। धनपत सिंह ने कहा है कि जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव पहले की तरह ही होगा। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में सितंबर में पंचायत चुनाव जो है वो हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जनता टीवी से इसका जिक्र जो है जनता टीवी से खास बातचीत में किया है।